गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम प्रतिचर प्रदेश यानी कि कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर और सहचर प्रदेश यानी को वेरिएंट टेंसर के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, मिश्रित प्रदेश, ठीक है, यानी कि क्या मिक्स टेंसर, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास क्या होगा, सहचर भी होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, प्रतिचर भी होगा, ठीक है। सहचर भी होगा यानी कोवेरिएंट भी होगा और प्रतिचर यानी कि कॉन्ट्रा वेरिएंट भी होगा, दोनों से मिलकर बनेगा हमारे पास। तो देखो इसको हम कैसे समझा सकते हैं, ये कौन से प्रदेश होते हैं, इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि ऐसे प्रदेश यानी कि क्या, ऐसे टेंसर जिसमें सूचकांक, जिसमें सूचकांक यानी कि क्या इंडिसेस दो होते हैं, या तो सबस्क्रिप्ट लगाते हैं या फिर हम क्या लगाते हैं, सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं ना, सूचकांक या तो क्या लगाते हैं, सुपरस्क्रिप्ट अथवा या क्या लगाते हैं हम, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ऊपर जो लगाते हैं वो सुपरस्क्रिप्ट होता है, नीचे जो लगाते हैं वो सबस्क्रिप्ट होता है ना, दोनों अवस्थाओं में प्राप्त हो, दोनों अवस्थाओं में, ठीक है, क्या हो, प्राप्त हो, यानी सुपरस्क्रिप्ट भी हो और सबस्क्रिप्ट भी हो, तो ऐसे प्रदेश क्या कहलाते हैं हमारे पास, मिश्रित प्रदेश कहलाते हैं। ऐसे प्रदेश क्या कहलाते हैं हमारे पास, मिश्रित प्रदेश कहलाते हैं, ठीक है। और जिसकी कोटि कम से कम कितनी होगी, दो होगी, यानी कि एक तो सुपरस्क्रिप्ट होगा और एक क्या होगा, सबस्क्रिप्ट होगा, ठीक है। देखो कैसे हम इसको परिभाषित करते हैं, माना एक्स आई तंत्र मैंने बताया था एस निर्देश तंत्र, आई की वैल्यू अगर त्रिविमीय है 1 2 3 यानी कि क्या x1 x2 और x3, ये एस निर्देश तंत्र में क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड होते हैं x1 x2 x3। और दूसरा कौन सा निर्देश तंत्र होता है, एस डैश, जिसमें हम कौन से बात करते हैं, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की बात करते हैं ना, पढ़ चुके हम सारा। एक्सआई तंत्र में प्रदेश, अब देखो आप समझना प्रदेश, मैंने जब आपको बताया था सहचर यानी को वेरिएंट, तो उसमें हम कहाँ लगा रहे थे, नीचे लगा रहे थे, और प्रतिचर था, प्रतिचर में हम क्या लगा रहे थे, ऊपर सबस्क्रिप्ट लगा रहे थे, एक में सबस्क्रिप्ट लगा रहे थे और एक में क्या लगा रहे थे हमारे पास, सुपरस्क्रिप्ट लगा रहे थे। अब देखो एक्सआई तंत्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, यानी कि अब हम मिश्रित प्रदेश की बात करेंगे, एक सुपर स्क्रिप्ट होगा और एक क्या होगा, सबस्क्रिप्ट होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ AJK, एक तो सुपर स्क्रिप्ट और एक क्या, सबस्क्रिप्ट। एक तो किसको व्यक्त करता है हमारे पास, कॉन्ट्रा वेरिएंट यानी कि प्रतिचर को, और एक किसको व्यक्त करता है हमारे पास, कोवेरिएंट यानी कि किसको, सहचर को व्यक्त करता है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें मान लेते हैं एक्सआई तंत्र यानी एसडीएस में जो प्रदेश होगा, कैसे व्यक्त करते हैं हम इसमें, बार के रूप में व्यक्त करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, कैसे लिखेंगे, ए बार, एक तो कहाँ होगा, ऊपर होगा, और एक कहाँ होगा हमारे पास, नीचे होगा हमारे पास, क्योंकि सहचर और प्रतिचर में यही अंतर होता है, यही डिफरेंस होता है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास, एक तो ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, एक सुपर स्क्रिप्ट और एक क्या, सबस्क्रिप्ट।
अब हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो ए लिख लेंगे, मैंने बताया था ए संबंध कैसे निकालेंगे, ए ए का क्या भाग, पहले ये वाला बराबर से पहले लिखेंगे, ऊपर तो क्या है एल है और नीचे क्या है एम, सुपर स्क्रिप्ट भी आप ध्यान रखना, पहले या तो सुपर स्क्रिप्ट था या सब स्क्रिप्ट था, या तो कोवेरिएंट था यानी कि प्रतिचर था, या कॉन्ट्रावेरिएंट था यानी सहचर और प्रतिचर थे हमारे पास, है ना। तो ए बार एल एम हो गया हमारे पास, और यहाँ हमारे पास क्या लिखेंगे, ए जे और के लिखेंगे। अब इनमें रिलेशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, हम एक तो लिख देते हैं डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, कितने हैं इसमें देखो वन और टू है, तो डेल एक्स अपॉन क्या डेल एक्स, अवकलन है। अब इनमें क्या लगाते हैं, घाटे लगाते हैं, नाउ कैसे लगाएंगे, जब हम बार वाले की बात करते हैं, जब ऊपर क्या होता है एल होता है, यानी कि किसको व्यक्त करता है हमारे पास, कॉन्ट्रावेरिएंट यानी प्रतिचर को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है हमारे पास प्रतिचर को जरूर, और ये किसको व्यक्त करता है सहचर को, ये तो कॉन्ट्रावेरिएंट और ये कोवेरिएंट को व्यक्त करता है। तो जब हम क्या लेते हैं, जब हम प्रतिचर लेते हैं तो प्रतिचर में ऊपर वाला क्या लिखते हैं बार लिखते हैं, ये बताया था मैंने, तो ये तो बार लिख दो, इसकी घात तो क्या हो जाएगी L, और नीचे वाले की घात यहाँ क्या है, यहाँ आ जाएगी क्या C, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, अब दूसरा है ये नीचे वाले, जितने ये होते हैं ना हमारे पास इंडिसेस सूचकांक, चाहे ऊपर दो होते हैं नीचे दो होते हैं, तो फिर चार बार लिखे जाते हैं, अभी कितने एक और एक दो, तो अभी कितनी बार लिखे गए हैं दो बार, दो पट्टी हो गई। अब आप दूसरा देखो, अब हम इसके लिए लिख रहे हैं, ये क्या है हमारे पास सहचर है, ये दोनों सहचर है, जब भी हम किसके लिए लिखते हैं सहचर के लिए लिखते हैं, कोवेरिएंट के लिए लिखते हैं, तो ऊपर तो बिना बार वाला आता है, बिना बार में क्या आ रहा है देखो के, तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास क्या पावर के बार ऊपर, और नीचे बार वाला लिखते हैं, इसे बार लगाओ और क्या लिख दो एम लिख दो, तो ये क्या आ गया हमारे पास मिश्रित प्रदेश आ गया, ठीक है। ध्यान रखना है ये तो क्या है, फिर कह रहा हूँ प्रतिचर है और ये क्या है सहचर है, जब हम प्रतिचर के लिए लिखते हैं ऊपर बार वाला होता है, जब हम सहचर के लिए लिखते हैं तो बिना बार वाला होता है, बिना बार वाला ये होता है, बार वाला ये वाला होता है, तो ये संबंध आ गया हमारे पास, और ये कौन सा टेंसर है हमारे पास मिश्रित प्रदेश या मिक्स टेंसर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सममित व असममित प्रदेश, सममित व असममित, सममित व असममित प्रदेश, ठीक है। ये क्या होता है यानी कि सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, ये क्या होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, ये जो है ना इनको हमने कितने टाइप से डिफाइन कर रखा है, ये सममित और असममित टेंसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सममित प्रदेश की, सममित प्रदेश यानी कि क्या सिमेट्रिक टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर ये क्या होता है हमारे पास, देखो यदि दो क्रमागत, यदि दो क्रमागत सूचकांकों का, सूचकांक मतलब इंडिसेस यानी या तो सबस्क्रिप्ट बोल लो या फिर सुपरस्क्रिप्ट बोल लो,
सूचकांकों का स्थान परिवर्तित किया जाए, सूचकांकों का स्थान क्या किया जाए, परिवर्तित किया जाए और प्रदेश का चिन्ह साइन, प्रदेश का चिन्ह यानी टेंसर का जो साइन है वो परिवर्तित ना हो, वो परिवर्तित ना हो, तो ऐसे टेंसर या ऐसे प्रदेश क्या कहलाते हैं, सममित प्रदेश कहलाते हैं। तो ऐसे प्रदेश सममित प्रदेश कहलाते हैं, ऐसे प्रदेश सममित प्रदेश कहलाते हैं। यदि दो क्रमागत सूचकांक, सूचकांक मतलब इंडिसेस जो या तो सुपरस्क्रिप्ट होगा या सबस्क्रिप्ट होगा ना, का स्थान परिवर्तित किया जाए मतलब उनकी जगह बदल दी जाए, तो प्रदेश का चिन्ह क्या नहीं होना चाहिए, प्रदेश यानी टेंसर का साइन क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऐसे प्रदेश क्या कहलाते हैं, सममित प्रदेश कैसे समझा सकते हैं। मान लो आपके पास क्या है, ये एक प्रदेश है और मैंने अगर इस पर सूचकांक सबस्क्रिप्ट में लगाए पी क्यू आर, अब ये देखो सबस्क्रिप्ट में लगाया है मैंने, सॉरी इस पर मैंने किस में लगाया, सुपर स्क्रिप्ट में लगाया है ना, ऊपर लगाया ना मैंने ए के ऊपर, क्या पी क्यू आर सुपर स्क्रिप्ट लगाया मैंने, तो ये सीधा सीधा क्या बन रहा है हमारे पास, कौन सा है ये, कौन सा है ये, ये है हमारे पास क्या, प्रतिचर प्रदेश। क्या होता है हमारे पास, प्रतिचर प्रदेश होता है ये हमारे पास, होता है ये नहीं होता, प्रतिचर प्रदेश होता है। अगर ए पी क्यू आर बराबर आ जाए इसके, ए मैं लिख दूं इसे, जैसे इनका स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, जो सुपर स्क्रिप्ट है उसमें पी क्यू आर है, मान लो मैंने इसे लिख दिया क्यू पी आर, और ये दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो ये जो प्रतिचर प्रदेश होता है ना ये क्या कहलाता है, सममित प्रतिचर प्रदेश कहलाता है, सममित प्रतिचर प्रदेश कहलाता है, सिमेट्रिक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहलाता है। यदि हम ये पी क्यू आर है, इनकी स्थान क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बराबर ही आ रहा है दोनों, ऐसे ही हम यदि इसको ऐसे लिख रहे बी और हम मैंने लगा दिया पी क्यू आर, अब मैंने क्या लगाया है, सबस्क्रिप्ट लगाया है, अब क्या लगाया है हमने, सबस्क्रिप्ट लगाया है, सबस्क्रिप्ट लगाते ही अब ये कौन सा प्रदेश होगा, ये होगा सहचर यानी कि कोवेरिएंट प्रदेश होगा, जैसे ही सबस्क्रिप्ट लगानी हो ठीक है। और अगर हम इस प्रदेश में ये जो सबस्क्रिप्ट है, सूचकांक जो है ये जो कि सबस्क्रिप्ट में है, इंडिसेस है जो कि सबस्क्रिप्ट में, इनकी पोजीशन चेंज कर दे, यानी क्यू पहले लिखने पी बाद में और आर बाद में, इक्वल आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, सममित सहचर प्रदेश कहलाता है, यानी कि हमारे पास इसका साइन पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है, ऐसे जो हमारे पास प्रदेश होते हैं ना वो कौन से प्रदेश कहलाते हैं हमारे पास, सममित प्रदेश या सिमेट्रिक टेंसर कहलाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं किसकी, असममित प्रदेश की, ये देखो ये क्या होता है, जस्ट अप्रोचिंग होगी देखो, असममित प्रदेश ठीक है, असममित प्रदेश यानी कि हम इसे बोलते हैं स्क्यूसिमेट्रिक टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर ये क्या होते हैं, असममित प्रदेश क्या होते हैं, तो देखो
वही डेफिनेशन है, जस्ट थोड़ी सी अपोजिट हो जाएगी। यदि दो क्रमागत, उसमें भी था ठीक है, यदि दो क्रमागत सूचकांकों का स्थान, ये बात ध्यान रखना कि ये जो हम स्थान परिवर्तित कराएंगे ना हमेशा, वो किसका कराएंगे, क्रमागत कराएंगे लगातार वाला ना। यदि दो, चाहे उसमें आए चाहे इसमें आए, यदि दो क्रमागत सूचकांकों का स्थान परिवर्तित किया जाए, स्थान परिवर्तित किया जाए ठीक है, तथा प्रदेशों का चिन्ह परिवर्तित हो जाए, तथा प्रदेशों का चिन्ह या साइन, प्रदेशों का चिन्ह परिवर्तित हो जाए तो ऐसे प्रदेश या ऐसे टेंसर क्या कहलाते हैं, असममित प्रदेश कहलाते ठीक है, क्या कहलाते हैं, असममित प्रदेश कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक तो गतिचर यानी कि कॉन्ट्रावेरिएंट की, और एक हम बात करें सहचर यानी कि इसकी कोवेरिएंट। प्रतिचर में हम वही लिखते हैं ए बी क्यू आर, और इसमें लिख दिया बी क्यू आर ठीक है। अब ये जो दो प्रतिशत है ए पी क्यू आर, ये तो हो गया प्रतिचर, और ये नीचे है इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास, सहचर हो गया। अब क्रमागत का चिन्ह चेंज करते हैं, देखो पी क्यू आर इनकी पोजीशन क्या कर दें, हम चेंज कर दें ए क्यू पी आर, लेकिन ये कैसा हो जाता है फिर, नेगेटिव। अगर ये इसके नेगेटिव के ऊपर आता है, पोजीशन चेंज करी तो साइन चेंज हो गया हमारे पास। ऐसे क्या कहलाते हैं हमारे पास, असममित ठीक है, असममित प्रतिचर प्रतिस्थापी ठीक है, क्या कहलाते हैं, असममित प्रतिचर प्रदेश कहलाते हैं। और अगर हम बी पी क्यू आर की बात करें तो माइनस बी क्यू पी आर, देखो क्रमागत चेंज हो रहा है ना यहाँ से ना, उसमें भी ये ध्यान रखना होगा ना। तो ये क्या कहलाता है, असममित क्या, सहचर प्रदेश कहलाते हैं, टेंसर कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसको परिभाषित करते हैं, सममित और प्रतिसममित को परिभाषित करते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, प्रदेशों के कुछ नियम बनाने के, हमने नियम क्या, सीधा एक मैथमेटिकल ही सॉल्व करना था हमने। देखो कैसे, जैसे हम बोल देते हैं क्या, नियम बोल देते हैं प्रदेश के नियम, कुछ रूल्स बना दिए हमने है ना, जैसे हम सोल्व करते हैं टेंसर। और इसमें सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है हमारे पास संयोजन का नियम, यानी एडिशन ठीक है, संयोजन का नियम, यानी कि हम कौन सी की बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, दो प्रदेशों के लिए, दो प्रदेशों के लिए, इस नियम के अनुसार दो प्रदेशों के लिए प्रारूप और कोटि समान हो तो, प्रारूप और कोटि क्या हो, समान हो तो, प्रारूप और कोटि समान हो तो उनके संयोजन से,
उनके संयोजन से हमें उसी प्रारूप और कोटि प्रदीश प्राप्त होगा। क्या चीज समान होनी चाहिए दो प्रदेशों की हमारे पास, प्रारूप और कोटि? देखो माना प्रदीश जो है हमारे पास ए, इसमें दो तो क्या है सुपर स्क्रिप्ट है पी और क्यू, और ए क्या है सबस्क्रिप्ट है कितना आर, तथा दूसरा क्या है बी, दो तो सुपर स्क्रिप्ट है सॉरी दो तो क्या है सुपर स्क्रिप्ट है पी और क्यू, और एक सबस्क्रिप्ट है क्या आर, यानी कि DQ प्रतिचर को व्यक्त कर रहे हैं, अल्ट्रा वेरिएंट को व्यक्त कर रहा है, और R किसको व्यक्त कर रहा है कोवेरिएंट सहचर को व्यक्त कर रहा है। अगर हम इन दोनों का एडिशन कराएं योग कराएं A P Q R प्लस B P Q R, तो अब आप देखो इसकी कोटि और प्रारूप देखो, दो तो इसमें क्या है सुपर स्क्रिप्ट है, इसमें भी दो क्या है सुपर स्क्रिप्ट है, एक क्या है इसमें सबस्क्रिप्ट है, और इसमें एक क्या है सबस्क्रिप्ट है, यानी कि सारी चीजें क्या आ रही है हमारे पास समान आ रही है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों में क्या है समान है, तो इनके संयोजन से जो प्रतीश बनेगा मान लीजिए क्या है सी है, तो उसमें भी हमारे पास कितने सुपर स्क्रिप्ट होंगे दो पी क्यू, और एक क्या होगा हमारे पास सबस्क्रिप्ट होगा, यही कौन सा गुण होता है हमारे पास संयोजन का गुण होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में।